हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे 4 × 4 का गुना कैसे करते हैं, वो भी इजी ट्रिक से। मतलब 10 सेकंड के अंदर में हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर जो हम आप लोग को ट्रिक बताने वाले हैं, अगर आप लोग 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन खुद से करते हैं तो आपका एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। और 10 सेकंड के अंदर में आप लोग इस तरह का क्वेश्चन एकदम 4 × 4 का आप लोग बहुत ही इजिली सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार जो लोग आए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो स्टूडेंट क्लास 10th 11th 12th में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे हम आप लोग को हमेशा 10, 11, 12 का वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे 4 × 4 अगर हमको 4 × 4 का अगर हमको गुना करना है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 7 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। वो 7 स्टेप क्या है हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में सारा चीज हम दे चुके हैं, यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक है। स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी स्टेप को छोड़ देते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए फाइनली हम आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दे चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप लोग को 4 × 4 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। देखिए यहाँ पे 7 स्टेप हमको फॉलो करना है। पहला स्टेप देखेंगे, आप लोग समझेंगे। पहला स्टेप आपको कहता है कि इससे गुना करना है, ठीक है। 4 × 4 का आपका दिया हुआ है पजल टाइप, ठीक है। पहले आपको क्या कर देना है, इससे गुना करना है, ठीक है। सीधा सीधी गुना कर देना है। तो गुना जैसे करेंगे बाबू आपका क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। यहाँ पे जैसे गुना करेंगे तो मेरा 3 × 1 क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। एक भी हासिल नहीं बचा है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं कि कोई भी हासिल नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ के बाद हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखेंगे अगला स्टेप, मेरा एक स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगला स्टेप देखेंगे, सीखेंगे। अगर आप लोग 4-5 क्वेश्चन सीख गए तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप फटाफट सीख जाइएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू बार में अभी आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। पहले अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस तरह से हमको गुना करना है। तो देखिए, तो हम इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। गुना जैसे करिएगा क्या देगा, 3 × 3 9 और 1 × 1 ये 10 हो जाएगा, कोई भी हासिल नहीं है। 10 की 0, ठीक है। 10 की क्या लिखा है यहाँ पे, हम लोग 10 का जो लिखते हैं 0 लिखते हैं, 10 का 0, एक हाथ में हासिल बच चुका है, हासिल जरूर लिखना है, ठीक है। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप में देखिए, यहाँ पे ये वाला ये पजल आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले आपको इससे गुना करना है, ठीक है। इससे गुना करना है, फिर आपको इससे गुना करना है, ठीक है। फिर आपको इससे गुना करना है, ठीक है, यही बोल रहा है थर्ड स्टेप में। अब यहाँ के बाद देखेंगे आप, यहाँ पे थर्ड स्टेप में समझेंगे, 2 × 2 3 × 6 8 हो जाएगा, जोड़ देना है फिर लास्ट में, ठीक है। और 3 × 3 8 × 3 11 हो जाएगा, एक हासिल बच चुका है आपका, ठीक है। 12 12 की 2, यहाँ पे आपको 12 का 2 लिख देना, हाथ में फिर भी एक हासिल बच चुका है, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखेंगे आप लोग अगला स्टेप, इसको पहले मिटा देते हैं हम। फोर्थ स्टेप में आपको करना है, देखिए फोर्थ स्टेप में इससे पूरा में गुना कर देना बाबू, अबर जो गुना करना है पूरा में कर देना है, पूरा को आपको कवर कर लेना है नंबर को, ठीक है। इससे शुरू यहां से करेंगे, यहाँ लास्ट तक जाएंगे, यहाँ से लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। फिर इससे बचा है और इससे बचा हुआ है, ठीक है, इससे हमको गुना कर देना है, ठीक है। बाकी को फिर जोड़ भी देना गुना करके, ठीक है। तो देखिए, तो अब जैसे करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा और 4 × 3 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 × 6 15 6 21 हो जाएगा, 21 और 2 कितना होता है आपका, 23 होता है, ठीक है। एक हासिल बचा हुआ है, 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 का कितना हो जाएगा, 4, 2 हाथ में हासिल बच चुका है। अब आगे देखिएगा, इसको हम फिर से मिटा देते हैं, ये सारा लाइन को। 4 स्टेप तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ठीक है। 5वां स्टेप फॉलो करेंगे, अब बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। देखिए आपको क्या कर देना है, इससे गुना। अब 1 स्टेप घट जाएगा, पीछे वाला ये वाला नंबर है ना, अब ये घटता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद इससे इससे हमको सीधा गुना कर देना है। जैसे गुना करेंगे बताइए कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 4 कितना हो जाएगा, 13 13 और 2 × 4 13 × 4 17 हो जाएगा, 2 हाथ में बच चुका है, 19 19 के आपके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर आपका हाथ में एक बच गया, ठीक है। अब फिर हम इसको मिटा देते हैं लाइन को। अब यहाँ के बाद समझना, यहाँ के बाद जो है 5 स्टेप हो चुका है 6 स्टेप में, अब और भी हमको कम कर देना है, ठीक है, लाइन को। अब इससे देखिए, अब इससे गुना कर देना और इससे गुना कर देना, ये वाला आप दोनों छूट जाएगा, धीरे धीरे सब छूट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बस 1 स्टेप और बचा है। देखिए, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 6 4 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 6 14, ठीक है। 14 और 1 15 15 की क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक हासिल भी तो बचा है,
फिर एक हाथ में बचा है यहाँ से। अब देखिए यहाँ की बात, अब सीधा सीधे हमको कर देना है इससे गुना, ठीक है। इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और एक हाथ में बच चुका है 13, ठीक है। लास्ट में तो लिख ही देंगे, आपका पूरा स्टेप क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आंसर चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो। नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर पर सर्च कर सकते हैं, आपका यही आंसर आ जाएगा। और खुद से आप लोग 3 4 क्वेश्चन लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको बनाने भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, आप लोग को खुद से करना है और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं और खुद से एक बार रिप्लाई जरूर करना है बना करके। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग समझ गए तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग इस ट्रिक से 10 5 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगा, आप लोग 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर में आप लोग फटाफट से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को रिप्लाई जरूर करना है। लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।